Are you feeling a little lost in life? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में चीजें बिल्कुल स्टक हो चुकी हैं और आपके लाइफ गोल्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हर दिन एक सेम रूटीन पर चल रहे हैं जिसमें कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा? आजकल की लाइफ रूटीन 9 to 5 की नौकरी या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कामों के गिर्द घूमती रहती है। जाहिर है जब सारा दिन इन चीजों में गुजर जाए तो ऐसा फील करना एक नॉर्मल बात है कि आप फंस चुके हैं और जिंदगी किसी लूप में घूम रही है। आज मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखती हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो ये हैबिट्स आपको मोटिवेटेड भी रखेंगी और हर दिन आपको कुछ नया करने और सीखने का मौका भी मिलता रहेगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आखिर में अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नंबर 1 इज राइट डाउन 3 things। आपने 3 चीजें वो लिखनी है दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज की वजह से आपने बहुत खुशी और अच्छा महसूस किया होता है। क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसे आप याद रखना चाहते थे और आपने उसे कभी राइट डाउन नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को मुकम्मल भूल चुके हैं? अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मोमेंट्स को आप अपनी मेमोरीज में याद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता रहता है और पास की चीजों को अनकॉन्शियसली भूल जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो यादें धुंधली होने लगती हैं। ऐसी चीजों को लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ये आदत आपको पॉजिटिव रहने में काफी मदद कर सकती है। ये लिखी हुई चीजें आप जब भी अगेन पढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ की अच्छी चीजें याद करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अच्छा फील कर सकते हैं। ये हैबिट आपके पर्सपेक्टिव को बदलने में भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडीज में ये चीज प्रूव हुई है कि जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड की हैबिट होती है उनका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है। उनकी इस हैबिट की वजह से स्ट्रेस में कमी आती है, रात की नींद बेहतर होती है और ऐसे लोगों के रिलेशंस हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो आज से ही दिन में सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये काम रात के वक्त सोने से पहले किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये हैबिट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के अलावा कुछ भी नहीं करेगी, तो इस आदत को एक दफा जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 2 है क्लीन फॉर 10 minutes ईच डे। क्या आपने कभी अपने कमरे या घर की सफाई में हिस्सा लिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा वक्त ले जाता है इसलिए आप इस काम से भागते हैं? इसका बेहतरीन हल है कि आप अपने कामों को स्मॉल पोर्शन में ब्रेक कर लें, लेकिन ये हैबिट जरूर डेवलप करनी चाहिए। आप दिन में सिर्फ 10 मिनट इस काम के लिए निकाल सकते हैं। ये 10 मिनट आप अपना पूरा फोकस सिर्फ इसी काम पर रखें। ये छोटी सी हैबिट है लेकिन इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर डायरेक्ट होता है। जब आपको घर में सफाई और चीजें मैनेज तरीके से नजर आती हैं, आपका माइंड भी इसी तरह से काम करने लगता है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे बर्तन धो लें, घर की सफाई कर लें या फिर कम से कम अपना रूम साफ जरूर कर लें। ये 10 मिनट आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखा सकते हैं और ये हैबिट आपको एक रिलैक्स फीलिंग भी दे सकती है। इसलिए दिन में एक बार ऐसा करना आपको एक्टिव रखता है और आपको अच्छा फील करवा सकता है। नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर स्किन। हम सब के साथ एक मसला ये है कि हम हर चीज पर मेहनत करते हैं, अपनी डेली रूटीन के सारे काम कर लेते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिस वजह से डाउन फील करना एक आम बात है। अच्छा नजर आना हर किसी को पसंद है, लेकिन ये कपड़ों से ज्यादा आपकी स्किन से नजर आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन टोन गोरी है या सावली या फिर काली। अगर आपकी स्किन साफ नजर आए तो इसका मतलब है आप खूबसूरत लग रहे हैं। जब सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो खुद को भी एक बार या बार बार उलझन सी महसूस होने लगती है, यहां तक कि इससे कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और हो सकता है इस वजह से भी आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो। डर्मेटोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जी फ्राइड के मुताबिक अगर आपकी स्किन डल रहती है, आपके बाल खराब हो रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड पर गहरा इंपैक्ट कर सकती हैं। इस वजह से इरिटेटिंग बिहेवियर पैदा होता है और आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पाते। ये अनवांटेड फिजिकल चेंजेस
आपके माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स को पैदा कर सकती हैं। इसलिए अपनी स्किन के साथ साथ ओवरऑल अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की आदत बना लेनी चाहिए। ये आदत आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील करवा सकती है, जिससे पॉजिटिविटी की कैफियत पैदा होती है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नंबर 4, इंप्लीमेंट द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम विल्फ्रेडो पेरेटो था, उन्होंने 1800 की दिहाई में पेश किया था। पेरेटो ने देखा कि उनकी कंट्री में 80% जमीन के मालिक सिर्फ 20% पॉपुलेशन है। तकरीबन 200 साल बाद ये प्रिंसिपल सही साबित हुआ और हम इस प्रिंसिपल को किसी भी किस्म के बिजनेस या एथलेटिक जैसे किसी भी टॉपिक पर अप्लाई कर सकते हैं। जरा सोचें, अगर हम इस असूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो इससे क्या होगा? ये बात साबित हुई है कि आपकी 80% कामयाबी आपके 20% काम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब आप जिंदगी के सारे कामों में से सिर्फ 20% सही तरह मेहनत करके भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप वो 20% कामों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका है एक लिस्ट बनाएं, जिसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों को स्टार्ट में और ऊपर लिखते जाएं और जो काम लेस इंपॉर्टेंट हो उनको नीचे लिख लें। अब इस लिस्ट में से नीचे के 80% कामों को क्रॉस कर दें और इस तरह लिस्ट में मौजूद चीजों पर फोकस रहते हुए काम करना शुरू कर दें। इस तरह आपकी सारी एनर्जी और मेहनत सिर्फ उन कामों पर खर्च होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक दफा ये काम करके देखें, आपको अपने बारे में जानने का भरपूर मौका मिलेगा। नंबर 5, इंप्लीमेंट इफेक्टिव डेली रूटीन्स। क्या आपको सुबह उठते हुए थकावट और अनमोटिवेटेड महसूस होता है, जैसे मॉर्निंग के वक्त इंसान को लगे कि सारा दिन बोर गुजरेगा या सारा दिन आपके पास करने को कुछ भी नहीं है? ये एक साइन हो सकता है कि आपकी डेली वर्किंग रूटीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही या वो रूटीन्स अच्छी नहीं है। हमारे पूरे दिन के काम मॉर्निंग और इवनिंग के कामों में डिवाइड होते हैं। होना ये चाहिए कि जब आप सुबह के वक्त जागें तो आप मोटिवेटेड फील करें, आप जागने के बाद एनर्जेटिक फील करें। ऑफ कोर्स हर एक इंडिविजुअल की मॉर्निंग रूटीन यूनिक होती है, बस आपको तलाश करने की जरूरत है कि आपके लिए कैसी रूटीन बेहतर रहेगी। अपनी रूटीन में सुबह के वक्त कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना ज्यादा बेहतर होता है जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिले, जैसे किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना या आप एक छोटी सी वॉक के लिए निकल जाएं या कोई भी पॉजिटिव काम करें जिससे आपको मोटिवेटेड फील हो। और अगर शाम के वक्त की बात करें तो ये वो टाइम है जिसमें एक लंबे दिन के बाद आपके माइंड और बॉडी को आराम चाहिए होता है और हमारा ब्रेन हमें नींद के लिए रेडी कर रहा होता है। शाम के वक्त आपको वो काम करना चाहिए जिनसे आपको खुशी महसूस हो, वो चाहे कोई बुक को रीड करना हो या टीवी शो हो, यानी जिस चीज से आपको एंटरटेनमेंट मिले और सुकून महसूस हो। अगर आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने का इरादा रखते हैं तो याद रखें, हैबिट्स को बनाना और इनको कायम रखना एक डिफिकल्ट काम हो सकता है और इनको सही तरह से फॉलो करने में कुछ टाइम भी लग सकता है। इसलिए जल्दबाजी हरगिज मत करें और हैबिट्स पर कंसिस्टेंट रहें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें चेंज होने लग गई हैं और आपका हर दिन पहले के दिनों की निस्बत बहुत डिफरेंट और मोटिवेटेड होगा। आखिर कैसे सेट ऑफ एक्टिविटीज को अपनी हैबिट बनाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम के हल के लिए हम इस टॉपिक पर भी जल्द एक वीडियो क्रिएट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थिंक बिग से मोहम्मद हारून को इजाजत दें, खुदा हाफिज़।